भारत का सफर खत्म होने के साथ ही भारत के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज एमएस धोनी के संन्यास की अटकलें तेज हो गई थी। अपनी कप्तानी में भारत को 2011 वर्ल्ड कप का खिताब दिलवाने वाले धोनी ने इंग्लैंड में अपना चौथा और आखिरी वनडे वर्ल्ड कप खेला, लेकिन वे किस समय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे किसी को भी नहीं पता। हालांकि अगले माह वेस्टइंडीज दौरे के लिए धोनी टीम का हिस्सा नहीं है, जिसकी चर्चा तेज हो गई है कि वे कुछ ही दिनों में संन्यास ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, वे अभी क्रिकेट को अलविदा नहीं कहने वाले। सबसे पहले वे अपना अधूरा काम पूरा करेंगे। अगस्त के शुरुआती दिनों में होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए धोनी 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए उपस्थित नहीं है और वे इससे दूर ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद वे टीम इंडिया में आने वाले परिवर्तन चरण का हिस्सा होंगे। सूत्रों की माने तो धोनी वेस्टइंडीज नहीं जा रहे हैं। वे पहली पसंद विकेट कीपर के रूप में ना भारत में और ना ही बाहर टीम के साथ जाएंगे। ऋषभ पंत उनकी जगह लेंगे और जब तक वे सेट नहीं हो जाते उन्हें ग्रूम करेंगे। इस समय के दौरान एमएस धोनी इस बदलाव में मदद करेंगे। वही 15 सदस्य का हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन अंतिम एकादश का नहीं होंगे। हालांकि दिनेश कार्तिक पंत की तुलना में काफी अनुभवी हैं और वे टीम का हिस्सा हो सकते हैं। वही अक्टूबर में पंत 22 साल के हो जाएंगे और टीम को अगले साल ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप खेलना है। उस समय तक उनकी उम्र 23 साल के करीब हो जाएगी। उन्होंने अपनी क्षमता भी दिखाई। वही सूत्रों की माने तो इस बदलाव के लिए बिल्कुल सही समय है। तो ऐसे में कहा जा सकता है धोनी अब अपनी जगह पहले ऋषभ पंत को ट्रेन करेंगे, तभी वो संन्यास का फैसला लेंगे। यानी इससे साफ हो गया कि धोनी अभी संन्यास नहीं लेने वाले, क्योंकि भारतीय टीम को अभी उनकी काफी जरूरत है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट कर बताइएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।